गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप इस चैप्टर में संक्रामक रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और निसंक्रामक पदार्थ क्या होते हैं। अब आज बच्चों आप संक्रामक रोगों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आप जान ही चुके हैं कि संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो रोगी के संपर्क मात्र से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। बच्चों सबसे पहला आपका रोग इसमें चेचक दिया हुआ है और यह रोग वेरियोला नामक रोगाणु से फैलता है जो एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। बच्चों यह रोग इतनी शीघ्रता से फैलता है कि और इसका फैलने का माध्यम वायु है, यानी हम यदि अशुद्ध वायु में श्वसन करते हैं, ऐसी वायु में श्वसन करते हैं जहां पर रोगी द्वारा रोग के रोगाणु छोड़ दिए गए हैं, तो उस अशुद्ध वायु में श्वसन करने से एक स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित हो जाता है। इस रोग का उद्भवन काल 10 से 12 दिन का होता है और इस रोग में रोगी को प्रारंभ में 2 से 1-2 दिन, कभी कभी 3 दिन बुखार आता है। उसके बाद उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने दिखाई पड़ते हैं, रोगी की आंखें भी कुछ लाल रहती हैं, उसके शरीर पर अत्यंत पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त बच्चों 1 हफ्ते के बाद कुछ बुखार कम होता है और दाने कुछ सूखने लगते हैं और उसके बाद दाने सूख जाते हैं और पपड़ी बनकर निकल जाते हैं। बच्चों जब प्रारंभ में ये दाने 2 या 3 दिन के बाद बुखार आने के बाद दाने दिखाई देते हैं, तो उस एक हफ्ते के एक सप्ताह के भीतर दाने प्रारंभ में कुछ छोटे रहते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। इनमें कुछ पानी सा भरा रहता है, कभी ये पानी सफ़ेद कलर का होता है और कभी कभी ये पानी पीले कलर का कुछ पीलापन लिए हुए होता है। और बच्चों रोगी का चेहरा भी कुछ लाल रहता है और उसका शरीर, चूँकि दाने निकले रहते हैं इसलिए उसका शरीर भी लाल रखता है। अब रोगी को ज्वर आता है, उसके पूरे शरीर में पीड़ा होती है, तो ऐसी अवस्था में रोगी का क्या उपचार किया जाए। तो बच्चों रोगी के उपचार में सबसे पहले रोगी को एक साफ स्वच्छ कमरे में, उसे अलग कमरे में उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और यानी कहने का अर्थ ये है कि रोगी को अन्य स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। और सबसे इसके पश्चात रोग एक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, यानी कि रोगी को चिकित्सक को दिखा देना चाहिए और जो रोगी के शरीर में दाने पड़े हैं उन्हें खुजलाना नहीं चाहिए और आँख कान नाक में यदि फफोले पड़ गए हैं तो भी उन्हें नहीं छूना चाहिए। यानी ऐसे कई अंग हैं जहाँ पर प्रायः हमारा हाथ पड़ता रहता है, तो ऐसे अंगों में भी यदि दाने पड़े हुए हैं तो उन्हें बार बार छूना नहीं चाहिए। अब इनसे बचने के क्या उपाय हैं? तो बच्चों चूँकि यह संक्रामक रोग है और स्वच्छता और केयर से ही हम इससे बच सकते हैं, तो आपको बताया ही है कि रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, रोगी से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को दूरी बनाए रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति की जो सेवा कर रहा है उसे चेचक का टीका लगवा लेना चाहिए और यदि रोगी के पास खाना लेकर गया है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो जब तक वह उसकी देखभाल कर रहा है, सारी उसका रोगी का सारे काम करने के बाद उस सेवा करने वाले व्यक्ति को अच्छे से नहा के कपड़े निसंक्रमित करके तब अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आना चाहिए। इससे रोग फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और बच्चों
रोगी को पानी उबाल कर ही देना चाहिए, सीधे वैसे ही पानी उसे नहीं दे देना चाहिए, पानी को निसंक्रमित करके तब देना चाहिए। अब रोगी के कपड़े बर्तन जो भी हैं उन्हें यदि जब रोगी स्वस्थ हो जाए तो उसके कपड़े या बर्तन या अन्य सामग्री को ऐसे ही उपयोग में नहीं लाना चाहिए, भली प्रकार से निसंक्रमित करके तब उसका उपयोग करना चाहिए। और यदि आप निसंक्रमित करने का अन्य कोई तरीका नहीं जानते तो आप उसे धूप में रखकर आप उसे निसंक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों में रोग के रोगाणुओं के मारने की अच्छा में क्षमता होती है। आप धूप में रखकर पदार्थों को आप निसंक्रमित कर सकते हैं। और घर के अन्य सदस्यों को भी बचाव हेतु टीके लगवाने चाहिए। बच्चों आज आपने पढ़ा कि वायु द्वारा रोग किस प्रकार फैलते हैं और चेचक के बारे में भी आपने पढ़ा। अब अगले वीडियो में आपको अन्य बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।